नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदो और आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाअष्टमी के मौके पर पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और बात करें अगर बागमारा की तो कतरास राजबाड़े स्थित पूजा पंडालों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चंदन क्यारी बाजार के दुर्गा मंदिर में भक्त लगभग आधा किलोमीटर दूर तालाब से दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंच रहे हैं और साथ ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और अगर बात पोटका की करें तो वहां भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम विधिवत रूप से पंडालों के समीप हालात का जायजा भी ले रही है। तो महाअष्टमी और आज महागौरी की आराधना हो रही है। न्यूज 11 भारत महाकवरेज दिखा रहा है महाअष्टमी की और बताया आपको कि भक्तों की श्रद्धा जो है वो देखने को मिल रही है। पूजा पंडालों तक मां के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। इस दौरान जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन भी करना बेहद जरूरी है। तो मां के दरबार में पहुंच रहे हैं भक्त यही कामना के साथ कि कोरोना महामारी को अब खत्म कर दे मां और हम सब इस बीमारी से निजात पाए। तो शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज महागौरी की आराधना हो रही है। पूजा पंडालों में दर्शन के लिए भक्त जुट रहे हैं। हर तरफ मां के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले रुख रांची का कर लेते हैं। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी में महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल राजदा, सही कहा आपने कि आज दुर्गा अष्टमी का अष्टमी है और माँ गौरी की पूजा हो जा रही है। मैं इस वक्त राजदा रांची के प्रमुख करबला चौक पे हूँ और यहाँ अपने शहर रांची की एक खूबसूरती दिखाता हूँ राजदा कि करबला चौक जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ दुर्गोत्सव पिछले करीब 62 साल से मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि देखिए यह करबला चौक का सड़क है, मुस्लिम होटल है, लेकिन पूरे 9 दिन तक यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी सहयोग करते हैं और पिछले 62 साल से यहाँ माँ दुर्गे की आराधना होती आ रही है और यह आराधना यहाँ के स्थानीय लोग मनाते हैं। यानी कि करबला चौक पर जो दुर्गा जी विराजमान है वो किसी धर्म की मोहताज नहीं है राजदा, बल्कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर कोई पूरे भाईचारे के साथ त्योहार मनाता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो गाइडलाइन के तहत पंडाल का निर्माण किया गया है, माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो लोग आ रहे हैं उनसे लगातार मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जो है वो अपील की जा रही है। हमारे साथ अफरोज जी हैं, यहाँ के स्थानीय हैं और इस पूजा कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि करबला चौक का जो यह दुर्गा पूजा है वो लोगों के लिए समाज के लिए एक संदेश है कि गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है। कब से यहाँ पूजा का आयोजन होता रहा? ये तो हो रहा है 1956 से हो रहा है और पुराना मंदिर रहा है। हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा के सभी साथियों, अब यहाँ पदाधिकारी जो लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग सभी कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेट के हम लोग एक मिसाल कायम होता है कि भाई एकता का एक परिचय है। हम लोग चाहते हैं कि भाई संदेश जाए पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में, ताकि समझे कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, तो एक दूसरे को कन्विंस करके या किसी को गलत अति करके नहीं अफवाह उड़ाना चाहिए। संदेश ये होना चाहिए कि भाई एकता और हम लोग का जो कायम है वो हमेशा रहेगा, समझे? बिल्कुल राजदा, भाईचारगी का सबसे बड़ा उदाहरण रांची के करबला चौक का जो यह पूजा कमेटी है। आप देखिए कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो संरक्षक हैं, पिछले 62 साल से
मुस्लिम धर्म के लोग हैं, लेकिन पूरे धूमधाम से यहाँ दुर्गोत्सव का आयोजन किया जाता है। लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमारे साथ पुजारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन 62 साल से अफरोज जैसे जो लोग हैं उनके सहयोग से यहाँ पूजा का आयोजन होता आता है। हम तो अभी 2 ही वर्ष से यहाँ पूजा करवा रहे हैं, लेकिन जब से पूजा करवा रहे हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कमेटी के साथ में और मतलब हिंदू और मुसलमान सब एक साथ में हैं, और पूजा पाठ में भी उन लोग भी आते जाते हैं, बजा गजा भी सब उन लोग का है, उन्हीं लोग ये पर्दा वर्दा भी लगाए हैं, और यहाँ पर जो है अभी भी वो लोग बाहर होंगे, आते ही जाते रहते हैं, वो लोग देखते हैं, मतलब संरक्षण है, यहाँ का कमेटी के साथ में रह करके संरक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल राजदा, ये तस्वीर उन लोगों को देखनी चाहिए जो कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं कि किस तरह से रांची के करबला चौक पर पिछले 62 वर्षों से माँ दुर्गा का उत्सव मनाया जा रहा है, और इस उत्सव में स्थानीय लोग जो हैं वो भागीदारी निभाते हैं, हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद आते हैं और माँ की उपासना करते हैं। लोग माँ से यह मांगते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो सुखी संपन्न रहे। कुछ लोग हैं युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना के संक्रमण का काल है, क्या मांगा माँ दुर्गे से आप लोगों ने कि माँ कैसे आप लोगों को आशीर्वाद दे और कोरोना के इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करे। हम लोग ने मांगा यही है कि कैसे भी कोरोना काल में ये कोरोना खत्म हो जाए और अगला साल से हम लोग खुल के ये सब चीज मना सके और खुल के जा सके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे, आदमी चैन का सांस ले सके, बस यही हम लोग ने मांगा। यहाँ 62 साल से पूजा का आयोजन होता आ रहा है और पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है, 62 साल से पूजा का आयोजन हो रहा है, लोग सहयोग करते हैं, आसपास के लोग। मेरा नाम शंकर राउत है, हरिजन दुर्गा पूजा मंदिर के हम सचिव हैं, और यहाँ पर जो सहयोग हम लोगों को मिलता है बहुत अच्छी तरह से मिलता है। कभी हम लोगों में मतभेद नहीं है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, हम लोग दोनों भाई भाई हैं। इनकी त्यौहार में हम लोग जाते हैं और मेरे त्यौहार में इन लोग आते हैं। जब यहाँ पर अजान होती है तो बाजा हम लोग बंद कर देते हैं ताकि उनका भी धर्म है मेरा भी धर्म है, और इसी तरह से सद्भावना बना के हम लोग रखे हुए हैं और हमेशा बना के रखेंगे। बिल्कुल राजदा, देखिए भाईचारगी की एक उदाहरण है कि जब मस्जिद में अजान होता है तो यहाँ मूर्ति में जो बाजा बज रहा होता है उसे बंद किया जाता है, यानी कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप भी यहाँ पूजा कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ प्राचीन समय से एक मंदिर है, क्या खासियत है इस मंदिर की? ये बिरजा द्वारा बनाया गया मंदिर हम लोगों को दिया गया हरिजनों को, तो हम लोग 1956 से कंटिन्यूस पूजा कर रहे हैं यहाँ के लोगों के सहयोग के साथ, समझा, इन लोगों का पूरा सहयोग रहता है, न तो करबला चौक में कहाँ से पूजा होगा, हिंदू लोग का संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी हम लोग सबको मिलजुल करके पूजा करते हैं, समझा। बिल्कुल अफरोज जी, इस बार माँ दुर्गे से क्या मांगा है आपने? कोरोना का संक्रमण है, गाइडलाइन के तहत पूजा कर रहे हैं लोग, क्या मांगा है अपने राज्य के लिए? देखिए कोविड-19 के देखते हुए हम लोग जो है ना मूर्ति का जो स्थापना हुआ था, मूर्ति जो बैठी थी वो छोटा साइज का था, और हम लोग चाहते हैं कि भाई दिली चाहते हैं कि भाई खुशी से यहाँ त्योहार मने, और हम लोग एक संदेश भी देना चाहते हैं कि भाई भाईचारा का एक संदेश बढ़िया जाए और लोगों पे मालूम हो कि यहाँ भाई भाईचारा के साथ यहाँ दुर्गा पूजा का और दशहरा मनाया जाता है, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल धूमधाम से, 62 वर्षों से धूमधाम से राजदा दुर्गोत्सव का आयोजन हो रहा है, लेकिन चूंकि कोरोना के संक्रमण का काल है, वैसे में भले ही भव्यता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उनमें उत्साह काफी ज्यादा है, और ये मैसेज लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो कि धर्म और जात के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। करबला चौक का जो यह पूजा समिति है वो उन लोगों के लिए संदेश है, और शायद यही हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे रांची की खूबसूरती है। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, ये हमारे देश, हमारे राज्य की खूबसूरती और ये परंपरा है जो हर एक त्योहार को बड़े ही भाईचारगी के साथ मनाते हैं, और ये मिसाल है कि जो नफरत फैलाने का काम करते हैं उनके
सामने ये मिसाल है कि ये जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग समुदाय के लोग हैं, चाहे किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उन परेशानियों से निपटने की कोशिश करते हैं और उसी तरह भाईचारगी के साथ हर पर्व और त्योहार को मनाते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे सत्यव्रत, रुक करते हैं सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ गांधीनगर से मौजूद है, क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अजय वहां पर? इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में, जहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भक्तों की भीड़ लगभग आनी शुरू हो गई है। आज माँ के आठवें स्वरूप की पूजा हो रही है। मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति काफी परंपरा और काफी विश्वास के साथ यहाँ पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है। लिहाजा अभी पंडाल में बेशक थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन अभी जैसे जैसे रात गहराएगी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूजा पंडाल के हमारे साथ दो आयोजक भी हैं, राकेश कुमार बोस जी हैं जो कि पूजा का आयोजन करते हैं। यहाँ पर आ जाएं सर, राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? भक्तों की भीड़ और जो उल्लास था थोड़ी कमी है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं आस्था में कोई कमी नहीं है, भक्तों की भीड़ जैसे पहले थी और आज भी वैसी ही है, लेकिन हम लोग पूरे गाइडलाइन के साथ जैसे प्रशासन ने जैसे किया हुआ था वैसे ही हम लोग ने किया हुआ है। सारे प्रशासन के मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ मास्क पहन के सैनिटाइज के साथ हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज महाअष्टमी का पूजा है और महाअष्टमी का पूजा जैसे भीड़ के साथ आता है वैसे ही आया, कोई इसमें तब्दील नहीं हुआ है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, भोग वितरण भी सेम ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल। एक और, आप क्या नाम लिखते सर अपना? मेरा नाम हुआ सर अरुणेश कुमार पांडे। नाराजदा, इस पूजा पंडाल पे आपसे थोड़ी देर पहले जी अनाउंसमेंट हो रहा था कि न्यूज 11 पर सीधी तस्वीर आप देख पाएंगे गांधीनगर पूजा पंडाल से, और जो शख्स हमारे साथ ये अनाउंस कर रहे थे सर, बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना कद्र किया कि लोगों को बताया, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तहे दिल से पहले तो न्यूज 11 का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा प्रांगण में वो आए और इस हमारा कवरेज किए, और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा न्यूज 11 के दर्शकों को कि ये हमारा जो पंडाल है ये सन 1932 से और काफ़ी ओल्डेस्ट है सर। यहाँ पे जो भी पूजा होती है काफ़ी पारंपरिक और सात्विक तरीके से होती है, भक्तों का खास ख्याल ध्यान दिया जाता है, कोरोना का गाइडलाइन भी पालन हो रहा है सर। और चलिए अजय, अब जब ये बात लोगों को पता है कि न्यूजीलैंड भारत धर्म गांधीनगर और करबला चौक की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तो जरा माता के दर्शन भी करा दे हमारे न्यूज 11 भारत के माध्यम से घर बैठे जो पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो माता पिता प्रिकॉशन ले रहे हैं कि भीड़ भाड़ में ना जाए, तो उनके लिए जरा माता के दर्शन करा दे। आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पाए गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति, यहाँ पर 1932 से माता की प्रतिमा की स्थापना होती रही है राजदा, और सीधी तस्वीर आपके माध्यम से मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ आए हैं, तमाम लोगों की एक ही आस्था की माता उनके मन की मनोकामना पूर्ण करेंगे। पूरी तरह से मैं सीधी तस्वीर गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति की पूजा पंडाल में स्थापित माता की प्रतिमा को आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति में माता पूजा पंडाल में माता स्थापित है और उस जगह पर मैं आ चुका हूं जहां पर कि माता की प्रतिमा स्थापित है। सीधी तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से गांधीनगर दुर्गा पूजा समिति में स्थापित माता की पारंपरिक अलौकिक चेहरा आप हमारे दर्शक न्यूज 11 के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कितनी अलौकिक चेहरा माँ का है। माँ लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं, तमाम तरह के जो प्रशासन के गाइडलाइन थे उसके तहत पूजा हो रही है और आस्था में कहीं कोई कमी नहीं। जितने भी भक्त आ रहे हैं माँ से अपने मन की मुराद जरूर बताते हैं कि हे माँ, परिवार की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, झारखंड की रक्षा हो। तमाम लोग
यहाँ पे देखेंगे लोगों के आने का सिलसिला साधना हो रही है और सबके मन में कहीं ना कहीं एक कामना जरूर है माँ से कि इस कोरोना संक्रमण से हमें बचा कर रखे, अब कोई लहर और इस तरह प्रभावित ना करे लोगों को और कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द दूर हो सके पूरी दुनिया से। अब रांची की ये दो तस्वीर हमने दिखाई, अब रुक करेंगे जमशेदपुर का। सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, आप जमशेदपुर में इस वक्त कहाँ हैं और क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल राधा, देखिए हम जमशेदपुर के सोनारी कागल नगर के राम मंदिर में, राम मंदिर 50 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। पहले आपको अपने दर्शकों को ये मंदिर दिखा दे, देखिए मंदिर कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया और इस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित की गई है। तो मैं अपने दर्शकों को पहले मंदिर का दृश्य दिखा दे, मंदिर कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यह पीछे हनुमान जी का मंदिर है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर माता का दर्शन करने आए और हनुमान जी की मंदिर है। उसके बाद इसके बाजू में माँ दुर्गा को स्थापित किया गया और ये बहुत ही पुराना मंदिर है राजदा। और मैं दर्शकों को ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि मंदिर को पहले एक बार दिखाए, माँ का दर्शन भी हम कराएंगे लेकिन मंदिर को दिखाना इसलिए उचित है क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और ये राम मंदिर का नाम से इसलिए जाना जाता है कि विजयदशमी के दिन यहाँ रावण दहन हुआ करता था लेकिन कुछ कारणवश रावण दहन को बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर का दृश्य हम आपको अपने दर्शकों को पहले दिखा रहे हैं इसलिए कि देखिए यहाँ राम सीता हनुमान जी की मूर्ति है और मंदिर को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है जो पूर्वजों के द्वारा, काफी पुराना मंदिर है, 50 साल से ऊपर का मंदिर हो गया और इसलिए मंदिर का महत्व ज्यादा है और सोनारी के लोग यहाँ मंदिरों में पहुंचते हैं। अब आइए आपको हम अपने दर्शकों को माता का दर्शन करा देते हैं। माँ दुर्गा मनोकामना मंडप बनाया गया है, चूंकि यहाँ भी अच्छे पंडाल बनाए जाते थे लेकिन कोरोना का कारण है, कोरोना के गाइडलाइंस के कारण कहीं ना कहीं जमशेदपुर में कहीं भी भव्य पंडाल नहीं बनाए गए हैं, छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं। और छोटे छोटे पंडाल में इस बार राजदा एक खासियत मैंने देखे, पूरे जमशेदपुर में मैं जितने जगह भी गया माँ की मूर्तियां में इतनी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। ये पहले होता था कि बड़े बड़े पंडालों में पंडाल सजाया जाता था लेकिन माँ की मूर्तियां सामान्य होती थी लेकिन इस बार जो माँ की मूर्ति में उन लोगों ने सजावट की, आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दर्शकों को दिखा रहे हैं। छोटी सी मूर्ति है, 5 फीट की मूर्ति है लेकिन मूर्ति की भव्यता नजर आ रही है। माँ की जो वस्त्र पहनाए गए हैं, जो मुकुट है वो बहुत अलौकिक है, पीछे में जो आर्टिस्ट के द्वारा आर्ट भी किया गया है तो उसका नजारा कुछ और कह रहा है। निश्चित है आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा होती है, लोग धीरे धीरे सुबह से ही पंडाल की ओर रुख कर रहे हैं और शाम का वक्त हो चुका है और शाम में लोग जो निश्चित है आसपास के लोग हैं वो जो अपने आसपास के पंडाल है वहां पहुंच रहे हैं लेकिन चेहरे में सारे लोगों की मास्क नजर आ रहे हैं। अब देखिए छोटी छोटी बच्चियां माँ के दर्शन करने तो जरूर आए हैं लेकिन चेहरे पे मास्क है, ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, माँ के दर्शन भी करना है, पूजा भी मनाना है, एंजॉय भी करना है क्योंकि साल में एक बार दुर्गा पूजा आता है और इसको काफी बच्चों को इंतजार रहता है इस पूजा का, चाहे बच्चों को कहें चाहे बड़ों को कहें चाहे या बंगाली समाज के महिलाओं के, उन लोगों का एक अलग नजारा रहता है इस पूजा को लेकर। तो हम निश्चित है महाअष्टमी की पूजा हो रही है सुबह में, जब महाअष्टमी का जब मैं एक जगह का दृश्य दिखा रहा था कि वहाँ इतने खूबसूरत तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वहां पर पुष्पांजलि दिया जा रहा था और यहाँ पे भी जो लोग भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं राजदा, वहाँ लोगों को बोला जा रहा है कि आप चेहरे पे मास्क लगाएं, मास्क लगाने के बाद साथ में साइड में सैनिटाइजर रखा, सैनिटाइजर हाथ में ले, उसके बाद भी माँ के दर्शन करें। साथ ही साथ गाइडलाइन को निभाते हुए महाअष्टमी और दुर्गोत्सव का मजा ले सब श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ के दर्शन करने पहुंचे और यही कामना सबके मन में है कि कोरोना महामारी से हम सभी को छुटकारा मिले। रुक करते हैं देवघर का। सहयोगी रंजीत हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत, देवघर में इस वक्त आप कहाँ पर हैं जरा बताएं और माता के दर्शन भी कराएं हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पर अभी मैं देवघर के तिवारी चौक स्थित एक बहुत सुंदर खूबसूरत पंडाल में खड़े हैं और आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे, माता दर्शन भी कराना चाहेंगे कि यहाँ माँ दुर्गा का जो है काफी यह धूम है, काफी उत्साह है भक्तों में। आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार दलिया चढ़ाने की परंपरा जो है चलती आ रही है, चूंकि महागौरी की आज पूजा हो रही है और बहुत ही विधिवत ये पूजा होती है, महिलाओं में खासकर ज्यादा उत्साह हो रहा है और हम दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ माँ का, देखिए प्रतिमा कितनी खूबसूरत है, हम दिखाना चाहेंगे कि बहुत ही सुंदर दृश्य और फूलों से पूरा जो है पंडाल को सजाया गया है और काफी सुंदर खूबसूरत विहंगम दृश्य नजर आ रहा है
और दुर्गोत्सव का जो माहौल है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में महिला पुरुष बच्चे सभी यहाँ पहुंच रहे हैं, माता दर्शन कर रहे हैं और काफी खुश नजर आया। चूंकि दुर्गोत्सव नवरात्रि जो है काफी खुशी का माहौल होता है जब नवरात्रि आती है और इसको लेकर भक्तों में एक उत्साह नजर आता रहा। अब इसका हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सभी भक्त हैं महिलाएं कुछ अंदाज करना चाहेंगे। तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है रंजीत, जो सरकार ने जारी किए हैं और बेहद जरूरी भी है ताकि उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और माता के दर्शन कराने के लिए। रुक करते हैं अब हरमू के पंच मंदिर का, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। राकेश, अब से थोड़ी देर में वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं, जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए समय हो चुका है मुख्यमंत्री का और कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री जो है ये पूजा पंडाल पहुंचेंगे। हरमू का पंच मंदिर का ये पूजा पंडाल हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा तस्वीर दिखाएं इस पंडाल की। और यही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे, माँ का दर्शन करेंगे और तमाम जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें राता तो तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। खुद जो जिले के उपायुक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं, SSP मौजूद है, तो हर तरह की तैयारी हो चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का। और जो सूचना है राता की कुछ ही क्षण में महज 5 से 10 मिनट के अंतराल में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मौजूद होंगे, माँ का दर्शन करेंगे और उससे पहले लोगों से अपील की जा रही है, जो आयोजन करता है उनके तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप मास्क प्रॉपर पहन के ही पूजा पंडाल में आए, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। तो ये जो राज्य सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पंडालों में सख्ती से पालन हो उसको लेकर लगातार आयोजन करता लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का, राज्य के मुखिया का, जो थोड़ी देर के में ही यहाँ मौजूद होंगे, माँ का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से मिलने की, उनसे बात करने की कि उन्होंने माँ से क्या मांगा। बहरहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 11 के दर्शकों को पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति और देखिए पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे वो मौजूद हैं, केंद्रीय प्रवक्ता जो है मनोज पांडे वो मौजूद हैं, उनके बगल में SSP हैं, उपायुक्त रांची भी हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का और जो सूचना है राधा की कुछ ही क्षण में तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंतराल में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मौजूद होंगे और माँ का दर्शन वो करेंगे। चलिए तब तक हमारे दर्शकों को माता के दर्शन करा दे जो घर बैठे जो नहीं पहुँच पाए हैं। राकेश, हम चाहेंगे कैमरामैन से दीपक जरा माँ की भव्य मूर्ति उसका दर्शन कराएं लोगों को। और क्योंकि हम लगातार न्यूज 11 जो है अपने चैनल के माध्यम से वैसे श्रद्धालु जो पूजा पंडालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हम लाइव दर्शन करा रहे हैं, तो यही हम अपने कैमरामैन से अपील करेंगे कि वो माँ की जो प्रतिमा है उसको वो दिखाएं। पंडाल की भव्यता बहुत नहीं है क्योंकि ये सरकार का है गाइडलाइन है कि बहुत बड़ा पंडाल आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन मूर्ति कहीं ना कहीं बहुत आपको आकर्षित करेगी, बहुत आकर्षण भरा मूर्ति है और बहुत एक तरीके से शादी में भी जो सुंदरता होती है आता वो इस पूजा पंडाल में जो माँ की मूर्ति है उससे वो झलक रहा है। तो हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, माँ का दर्शन करा रहे हैं। हालांकि भीड़ हो रही है राधा, अगर हम भीड़ भाड़ की बात करें तो लोग जो है वो आज पहुंच रहे हैं क्योंकि आज महाअष्टमी है और ज्यादातर लोग फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन पूजा पंडालों में माँ के दर्शन के लिए लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाओं की तादाद कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन हर वर्ग विशेष के लोग माँ के दर्शन के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के पास आते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और यही नजारा कमोबेश राजधानी के हर पूजा पंडालों में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे थोड़ा और अगर रात की अगर हम बात कर ले तकरीबन 9-10 बजे की बात कर ले तो समय और आपको शॉट मिलेगा और अभी भी क्राउड है, लोग घरों से निकले हैं पूजा पंडालों में माँ के दर्शन के लिए और बहुत क्राउड यहाँ इसलिए भी नहीं रखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का समय हो चुका है, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो क्राउड है उसको कम किया गया है। और ये भी
भी राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित है कि एक वक्त में 25 से ज्यादा लोग जो है वो पूजा पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जो सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री शायद आ चुके हैं, उनका काफिला जो है वो अब कुछ ही देर में जो है वो इंटर करेगा इस पूजा पंडाल में। तो हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री आते हैं हम लाइव उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूजा पंडाल की तस्वीर और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें राधा, तो तमाम तरह के जो प्रिकॉशन मेजर्स किए जाते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लेकर कमान संभाल ली गई है। कुछ जिले के SSP मौजूद हैं, उपायुक्त मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो इस पूजा पंडाल में होगा। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, बिल्कुल प्रशासन प्रशासन बहुत एक्टिव नजर आ रहा है वहाँ पर। ऐसा लग रहा है राकेश की जैसे मुख्यमंत्री शायद पहुंच ही चुके हैं वहां पर। देखिए एक्टिव तो प्रशासन है ही, और जो सूचना है कि कुछ ही देर में काफिला जो है जो उनका टारगेट है वो इंटर करेगा, और सीधी हम तस्वीरें दिखाएंगे जैसे मुख्यमंत्री प्रवेश करेंगे, हम सीधी तस्वीरें न्यूज 11 पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भीड़ भाड़ है पूजा पंडालों में, लोग घरों से निकल रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। ये जरूर है कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों से राज्य सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि आप पूजा पंडालों में जाएं, लेकिन जो राज्य सरकार के डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, उनका आप सख्ती से पालन करें। आप प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, कोशिश करें कि बच्चों को ना ले जाएं, और अगर आप बच्चों को लेके भी जा रहे हैं तो उचित दूरी मेंटेन करें। तो इस तरह की कोशिशें जिला प्रशासन की तरफ से, चलिए जिला प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें हैं, आम लोगों को भी इसमें सहभागिता दिखानी बेहद जरूरी है। राकेश, सीएम जैसे पहुंचेंगे आपसे हम वापस दोबारा जुड़ेंगे, वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे हम पंच मंदिर की जब सीएम वहां पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखाने के लिए और माता के दर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है और न्यूज 11 भारत महागौरी महाअष्टमी पर ये महाकवरेज दिखा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।